चार्जशीट तक आप अक्यूज्ड इज कंसिडर्ड एब्सोल्युटली इनोसेंट क्योंकि देयर कैन बी अ फेक केस ऑल्सो, पुलिस ने कुछ भी आड़ा टेढ़ा बना दिया है, लेकिन जब चार्ज फ्रेम हो गया तो ये माना जाता है कि क्योंकि कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है सब कुछ एग्जामिन करने के बाद, इवन अक्यूज को एग्जामिन करने के बाद, सुनने के बाद कि भाई बताओ आपके ऊपर ऐसा एलिगेशन है, आपको क्या कहना है जी, हाँ विटनेस को भी बुला सकता है कोर्ट के पहले, दैट इज कॉल्ड एविडेंस बिफोर चार्ज। तो सब विटनेस देखने के बाद लग रहा नहीं है, बन रहा है, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में दम है, तो ये नहीं कि ये समझ लिया कि यस अक्यूज्ड इज गिल्टी, नो नो नो, ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ तो है, और इस लगने की वजह से हम ये चार्ज फ्रेम कर रहे हैं कि नाउ लेट अस एग्जामिन क्या आपने ये क्राइम किया है या नहीं किया है, और वो एग्जामिन करने के लिए ट्रायल होता है। बात समझ में क्यों हो रहा है, ये एग्जामिन करने के लिए कि ये जो चार्ज फ्रेम हुआ है ये क्राइम आपने वाकई किया है कि आप इनोसेंट हैं। तो अब हम चैप्टर 17 के चार्ज फ्रेम तक आ गए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं लॉजिकली, जब चार्ज फ्रेम हो गया आपके ऊपर तो क्या होगा? हाँ, कौन कह रहा है? हाँ हाँ, आप डॉक्टर साहब है ना, अरे अपने प्रिय डॉक्टर साहब के लिए ताली बजाइए, वाह क्या बात है। ट्रायल इज बिगिनिंग, चैप्टर 18 ऑनवर्ड्स द ट्रायल बिगिंस, एंड वी हैड सीन देयर आर फोर काइंड्स ऑफ ट्रायल्स, वन बाय सेशंस एंड थ्री बाय मैजिस्ट्रेट्स, एंड दे आर इन सीक्वेंस। सेशंस ट्रायल चैप्टर 18, वॉरंट्स ट्रायल चैप्टर 19, Summons trial chapter 20 and summary trial chapter 21. Hai na sab bada systematic sequence mein? Warrants trial chapter 19 mein jo hota hai wo magistrate conduct karta hai aur wo do tarah ka hota hai. Agar aap chapter 19 mein dekhenge to there are further three classifications within chapter 19. Warrants trial on the basis of police report, and warrants trial otherwise than police report. Ye distinction kyun hai? Warrants trial on the basis of police report and warrants trial other than police report. कोई बताएगा ये डिस्टिंक्शन क्यों है? ये फर्क है 156(3) का ट्रायल और 200 का ट्रायल। फर्स्ट कैटेगरी 154 या 156(3) का ट्रायल है ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, जहां एफआईआर रजिस्टर हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, 173 की चार्जशीट फाइल की, ठीक है। और दूसरी प्रोसीडिंग है सेक्शन 200 वाली, जहां पर पुलिस इन्वॉल्व ही नहीं है, मैजिस्ट्रेट ने डायरेक्टली प्रोसेस इशू किया, अक्यूज को कोर्ट में बुला लिया, तो पुलिस रिपोर्ट का सवाल नहीं है, एंड दैट इज व्हाई द ट्रायल अदर देन पुलिस रिपोर्ट। क्लियर मिल रहा है जिसके पास सीआरपीसी है? Warrants trial on the basis of police report and other than police report. And third part is conclusions. उसी में chapter 19 में है third part. On the basis of police report, other than police report and conclusions. है ना? Right. Third is जो सबसे मेजर क्राइम है
हीनियस क्राइम हैं जिनका पनिशमेंट मेजर है, वो चैप्टर 18 के सेशंस ट्रायल में जाते हैं। डायरेक्टली कोई मैटर सेशंस कोर्ट नहीं जा सकता, इसलिए एक प्रोसीडिंग्स होती है कमिटल ऑफ द ट्रायल, जहां मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये हीनियस क्राइम है, इसका पनिशमेंट मेजर है, डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो वो कहता है कि ये ट्रायल में नहीं चला सकता और उस ट्रायल को वो सेशंस कोर्ट में भेज देता है। इस भेजने की प्रोसेस को सीआरपीसी की लैंग्वेज में कमिटल ऑफ द ट्रायल कहते हैं, व्हेन द मैजिस्ट्रेट कमिट्स द ट्रायल टू द सेशंस कोर्ट। इज दैट क्लियर? उससे नीचे की कैटेगरी के ट्रायल्स जो कि या उससे कम है, वो समन्स ट्रायल में आएंगे, और उससे भी छोटा क्राइम आपने कोई किया है वो समरी ट्रायल में आएगा। समरी ट्रायल मतलब जहां पर हो सकता है कि पनिशमेंट विल बी ओनली ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन और अ वेरी लिटिल इम्प्रिजनमेंट, दोज टाइप ऑफ क्राइम्स आर हैंडल्ड अंडर द फोर्थ कैटेगरी कॉल्ड समरी ट्रायल, जहां पर समन्स जो समरी ट्रायल का है वो अक्यूज्ड को ऑप्शन देता है। बाकी ट्रायल्स में ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन है। चैप्टर 6-7 याद करिए, यू आर कंपेल्ड टू अपियर बिफोर द कोर्ट, चैप्टर 6। पर समरी ट्रायल के जो लेसर ऑफेंसेस हैं उसमें कंपल्शन नहीं, ऑप्शन कोर्ट दे सकता है कि आइदर अपियर पर्सनली और थ्रू अ प्लीडर, क्योंकि हो सकता है कि इम्पोजिशन ऑफ फाइन आपका जो पनिशमेंट होने वाला है उसकी उसमें आपकी पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत ही नहीं, योर रिप्रेजेंटेटिव कैन ऑल्सो पे द फाइन एंड यू आर डिस्चार्ज ऑफ द ऑफेंस, आपकी सजा कंप्लीट हो गई। तो ये समरी ट्रायल में ऑप्शन है। उसके बाद एक चैप्टर जोड़ा गया है 21A, जो कहता है एक नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है भारतवर्ष में जो पहले नहीं था, एंड दैट इज कॉल्ड प्ली बार्गेन। व्हाट इज प्ली बार्गेन, कोई अंदाज है? व्हाट इज प्ली बार्गेन? बार्गेन भी नहीं पता आपको? बार्गेन तो पता होगा, बहुत सारे लोग मार्केट में जाके बार्गेनिंग करते हैं। व्हाट इज बार्गेनिंग? आई एम सॉरी, क्लैप फॉर डॉक्टर साहब वंस अगेन, वेरी गुड। प्ली बार्गेन का जो कंसेप्ट है वो यूएस में प्रिवेलेंट था, जहां पर अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूशन ऑप्शन देता है कि देखो भैया तुम्हारे ऊपर ये आरोप है, अगर तो तुम ये आरोप स्वीकार कर लेते हो तो प्रोसिक्यूशन ही कोर्ट से तुम्हारी तरफ से गुहार लगाएगा, लीनियंसी की रिक्वेस्ट करेगा और कोशिश करेगा कि तुम्हें कम से कम सजा मिले। तो ये कौन कर रहा है? प्रोसिक्यूशन कर रहा है। व्हेन द प्रोसिक्यूशन हैज अरेस्टेड द अक्यूज्ड और क्राइम ही जो है
उसमें अगर पनिशमेंट होगी प्रूव होने के बाद तो मेजर पनिशमेंट होने वाली है, लेकिन वो कई बार इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है कि प्रोसिक्यूशन को वक्त लगेगा उसको प्रूव करने में, तो वो डायरेक्टली अक्यूज से कहते हैं कि देखो हम प्रूव तो करेंगे आज नहीं तो कल, लेकिन अगर हमने प्रूव किया तो तुम्हें मेजर पनिशमेंट मिलेगी। तो इतनी लंबी सब प्रक्रिया को कट शॉर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम तुम्हें आज ही ऑप्शन दे रहे हैं, तुम स्वीकार कर लो। क्राइम को अगर स्वीकार कर लोगे तो डिफेंस काउंसिल तो है ही तुम्हारे, तुम्हारी तरफ से हम भी कोर्ट से कहेंगे कि टू बी लिटिल लीनियंट एंड अवॉर्ड अ लिटिल लेसर पनिशमेंट। ठीक है, ये मेथड अदर देन प्ली बार्गेन इंडिया में पहले से जो चलता आ रहा था उसमें अगर कोई क्राइम मल्टीपल लोगों ने मिलके किया है और उसमें से कोई एक अक्यूज्ड प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करने लगता है तो उसको हम लोग ओरिजिनली बिना प्ली बार्गेन के उसको कहते थे अप्रूवर, ही यूज्ड टू बी अप्रूवर, जो कि स्वयं बता रहा है कि सब ये क्राइम ऐसे हुआ था। सो ही इज वन ऑफ द को अक्यूज्ड हु इज एडमिटिंग नॉट ओनली हिज ओन गिल्ट बट ही इज एडमिटिंग अदर अक्यूज्ड रोल। व्हेन ही नरेट्स टू द प्रोसिक्यूशन ही यूज्ड टू बी कॉल्ड अप्रूवर, जो कि अभी भी है। तो जो अप्रूवर बन जाता है उसको प्रोसिक्यूशन सॉफ्टर पनिशमेंट के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है। प्ली बार्गेन में उसको रिकग्नाइज कर दिया इवन फॉर द मेन अक्यूज्ड और एवरी अक्यूज्ड। तो ये चैप्टर 21 प्ली बार्गेन हमने अब इंडिया में भी इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये प्लीज क्लियर रहिए कि दिस डील इज बिटवीन प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड।